पेप्टाइड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है दैट अलोंग्स द पेप्टाइड बैकबोन विद द सम साइड चेन फ्रेगमेंटेशन। ज्यादातर जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो किसके अलोंग होता है, पेप्टाइड बैकबोन के अलोंग, एंड कभी कभी कुछ साइड चेन्स में भी फ्रेगमेंटेशन होते हैं, बट मोस्टली जो है पेप्टाइड का जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो कहाँ पे हो रहा है, वो आपके मेन बैकबोन में होते हैं, साइड चेन में रेयर होते हैं। द क्लीवेज अलोंग द पेप्टाइड बैकबोन कैन अकर एट, जो पेप्टाइड बैकबोन को अगर रिप्रेजेंट करिए तो याद हो मैंने आपको एनसीसी, एनसीसी आपको बताया था, ऐसे पेप्टाइड्स जो है मेंशन किए जाते हैं एन सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी, तो कहीं ना कहीं मेन चेन जो है वो एन सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी यही तो चलता है, जिसमें जो है सी एन का जो बॉन्ड होता है यही पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हो सकता है कि इस पेप्टाइड बॉन्ड के लॉन्ग क्लीवेज हो सकता है कि सी और सी अल्फा के बीच क्लीवेज हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि सी और सी अल्फा के बीच क्लीवेज हो, या हो सकता है कि सी अल्फा और एन के बीच में क्लीवेज हो। तो कहीं ना कहीं इस यहाँ पे क्लीवेज, यहाँ पे और यहाँ पे तीन पॉसिबल है, क्योंकि फिर से अगली बार में वही एन सी अल्फा, सी सी अल्फा और सी एन ये चलता चला जाएगा। तो पेप्टाइड बैकबोन के अलोंग जो है वो तीन पॉसिबिलिटी ऑफ क्लीवेज नजर आ रही होती है, और वही यहाँ पे चलेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब भी हम पेप्टाइड बैकबोन को रिप्रेजेंट करते हैं एन एच यानी एन सी अल्फा सी ओ, फिर एन एच एन सी अल्फा सी ओ, फिर एन एच सी अल्फा सी, दैट्स द पॉइंट। इसके अलॉन्ग भी हो सकता है, इसके अलॉन्ग भी हो सकता है, इसके अलॉन्ग भी हो सकता है, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अगर सी अल्फा सी के बीच होता है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, सी ओ एन एच के बीच होता है तो इसको बोलते हैं बी, और एन एच और सी अल्फा के बीच होता है तो इसको बोलते हैं सी। बेसिक तौर पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस आप मेंशन करते हैं। हर जब भी फ्रेगमेंटेशंस होंगे तो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज जनरेशन। आप ये जान चुके हैं ऑलरेडी कि अगर एक बॉन्ड के अलोंग ए ग्रुप इधर है, बी ग्रुप इधर है, तो अगर इस बॉन्ड के अलोंग फ्रेगमेंटेशन है तो यहाँ पे एक बार ए पॉजिटिव हो सकता है और दूसरी बार बी पॉजिटिव हो सकता है, हमेशा ये कंडीशन जो है वो रिप्रेजेंट। तो इस केसेस में जो है देयर इज अ चांसेस कि ए के साथ और बी के साथ कुछ साइड बाय साइड दूसरे फ्रेगमेंटेशन भी चलेंगे। इनमें एक्स वाई जेड को मेंशन किया जाता है, ए के साथ एक्स, बी के साथ वाई और सी के साथ जेड मेंशन किया जाता है, क्योंकि एक फ्रेगमेंटेशन से हमेशा दो चार्जेस जो है वो अपियर होंगे, ए के तौर पे मतलब इधर की तरफ और एक्स का मतलब दूसरे साइड की तरफ बात कर रहा है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। याद रहे कि हमेशा जो मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन होता है वो अलोंग द पेप्टाइड बॉन्ड होता है, मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन जो है वो अलोंग द पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ होता है, जहां पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं द पेप्टाइड बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। सी ओ एन एच यानी जो बी और वाई वाला फॉर्म है वो सबसे कॉमन होता है। हर क्लीवेजेस जो है वो आपको दो स्पीसीज प्रोड्यूस करेंगे, एवरी क्लीवेज प्रोड्यूसेस टू स्पीसीज, ओनली वन इज चार्ज्ड एंड द अनदर वन इज न्यूट्रल, जैसा कि हम आपको अभी फ्रेगमेंटेशन में समझा चुके हैं। वहां पे एक एटम के साथ हमने समझाया था, यहाँ पे प्रोटीन के साथ बस है, फर्क कुछ नहीं है, बस वहां पे एक एक एटम समझ रहे थे, यहाँ पे प्रोटीन थे, एंड बिकॉज आपके छह क्लीवेजेस टोटल मिल रहे हैं इसी वजह से बेसिक तौर पे, या तीन क्लीवेजेस है ए बी सी, इसी वजह से सिक्स डिफरेंट आयंस जो है जनरेट होंगे। देयर आर सिक्स डिफरेंट आयंस दैट इज गोइंग टू की एनालिसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हर एक पर्टिकुलरली पेप्टाइड के अलोंग जो होते हैं, मतलब देयर आर थ्री पॉसिबल क्लीवेजेस, एक सी अल्फा सी, एक सी एन और एक एन सी अल्फा। इसमें से सी एन यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलोंग जो क्लीवेज होता है सबसे कॉमन फ्रेगमेंटेशन होता है अलोंग द पेप्टाइड बॉन्ड। हर एक क्लीवेजेस के साथ दो स्पीसीज जनरेट होते हैं, वन इज चार्ज्ड एंड अनदर वन इज अ न्यूट्रल, क्योंकि तीन क्लीवेजेस है इसी वजह से टोटल सिक्स डिफरेंट जो है आपके जनरेशन होने के चांसेस है। और चलिए इसी के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से पॉसिबल कंडीशन बन रहा है इस पेप्टाइड को देखते हुए। अगर आप देखें जैसा मैंने मेंशन किया था, सी अल्फा सी ओ के बीच में जो फ्रेगमेंटेशन है वो ए और एक्स का है, मतलब देखिए ये सी अल्फा है और सी ओ, इसमें जो फ्रेगमेंटेशन है वो है ए वन, ठीक है। इधर वाला जो फ्रेगमेंट बनेगा, देखिए ए वन क्या है, ए वन है एन एच टू सी एच, ये है एन एच टू सी एच, और उसके बाद सी एच टू आर, ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो क्या है, वो है आपका ए वन, और जो ये वाला फ्रेगमेंट होगा हो सकता है कि इधर वाला पॉजिटिव हो सकता है कि इधर वाला पॉजिटिव हो। तो जब ये वाला हिस्सा जहां पे फ्रेगमेंट हो रहा है, जिस बॉन्ड पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उस बॉन्ड का अगर लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव है तो हम उसको जो है क्या बोलते हैं, ए वन के टर्म पे रिप्रेजेंट करें, ए बी सी के टर्म पे, इसीलिए इसको ए के लिए इधर की तरफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में, और एक्स वन दैट इज राइट साइड ऑफ केस। हो सकता है कि जब यहाँ फ्रेगमेंटेशन हो तो ये वाला पॉजिटिव हो तो ए वन, अगर ये वाला पॉजिटिव हो तो एक्स टू,
ये वाली कहानी के तौर पे। हाँ इसी तरीके से जब ये वाला फ्रेगमेंटेशन होगा तो हो सकता है कि आपके पास इधर वाला पॉजिटिव हो तो B1 और इधर वाला हो तो Y2। से हम क्यों जो है इनको नाम जो है X A1 है तो ये X2 क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे कहानी होती है कि जो X1 Y1 वाला केसेस होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्रेगमेंट लेके चलते हैं। मतलब किसी भी पेप्टाइड में जैसे एक अमीनो एसिड है, फिर दूसरा अमीनो एसिड है, फिर तीसरा अमीनो एसिड है, फिर फोर्थ अमीनो एसिड है, इधर से फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर ABC चलता है और 1 2 3 ऐसे, मतलब A1 B1 ऐसे, और इसका फ्रेगमेंटेशन इधर से होता है XYZ के हिसाब से और 1 2 3 इनका इधर से बढ़ता है। एक होता है सी टर्मिनल से एन की तरफ जा रहा है तो वो XYZ की तरफ बोलेंगे, और अगर एन टर्मिनल से सी की तरफ जा रहा है तो ABC 1 2 3 बोलेंगे। तो बिकॉज एन टर्मिनल से सी तरफ की तरफ जा रहा है इसलिए A1 A2 ऐसे बढ़ रहा है, और जबकि सी टर्मिनल से जो है X1 Y1 Z1 फिर उसके एन की तरफ बढ़ेंगे तो X2 Y2 Z2। तो दोनों में जो केसेस है वो कहीं ना कहीं जो ओरिएंटेशन या जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास हो, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे इस तरीके के केसेस बनने के चांसेस हो सकता है कि इसके बाद कि अगर आप देखें C1 के केसेस में यहां से फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये वाला हिस्सा होगा तो वो आपका C1, इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज तो कहीं ना कहीं वो Z2 के तौर पे, फिर उसी तरीके से A2 यहां से टूटेगा तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया पॉजिटिव तो A2 और ये वाला तो X1, क्योंकि तो इधर से X1 था इधर से A1। तो नंबरिंग जो है वो याद रहे XYZ, XYZ की नंबरिंग जो होती है वो फ्रॉम सी टर्मिनल होती है, और जो आपके ABC की नंबरिंग होती है वो फ्रॉम एन टर्मिनल होती है। सवाल अब इसमें यही आता है कि आखिर कितने पेप्टाइड के फ्रेगमेंट जनरेट होंगे। मैं इस प्रॉब्लम में आपको हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स यूज होते हैं या जिनके अगेंस्ट जो है वो आपके फ्रेगमेंटेशन होते हैं वो सिर्फ ज्यादातर मोस्ट कॉमनली तौर पे पेप्टाइड बॉन्ड के कॉमन होते हैं या अलोंग होते हैं। पॉसिबल तो 3 जगहों पे, मतलब वो CC अल्फा के बीच में भी होगा, NC अल्फा के बीच में भी होगा और CN के बीच में भी होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन तो CN के बीच में। तो जैसे देखिए यहाँ पे B और Y वाला केस, इधर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेप्टाइड बॉन्ड काउंट करिए, एन टर्मिनल से ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड तो B1, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड तो B2, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड तो B3। इस तरीके से केसेस बनेगा, ये वाला फ्रेगमेंट B1, फिर यहां तक B2, फिर यहां तक B3, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर अगर सी टर्मिनल से काउंट करें तो सी टर्मिनल से जब लेके जाएंगे तो इधर से आपके पास सी टर्मिनल से ये यहां तक का फ्रेगमेंट Y1, फिर यहां तक का फ्रेगमेंट जो है वो Y2, और फिर यहाँ यहां से यहां तक का फ्रेगमेंट Y3। तो कहीं ना कहीं जो है आप सी टर्मिनल से Y1 Y2 Y3 काउंट कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर जो है वो रिवर्स हो जाता है। बेसिक तौर पे अगर मैं बोलूँ तो B1 B2 B3 को उल्टा कर दीजिए वाई के केस में, वही काम हो जाएगा। तो जरा समझे कि अगर आपके पास यहाँ पे पहले पेप्टाइड बॉन्ड के लॉन्ग फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा B1 और ये वाला कहलाएगा Y3। इसके अलॉन्ग जो होगा तो ये कहलाएगा इधर वाला B2 और इधर वाला Y2। इसके अलॉन्ग जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है या यहाँ पे जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो ये वाला हिस्सा B3 और ये वाला हिस्सा Y1। तो इस तरीके से आपको टोटल जो है कितने फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, सिक्स सिक्स फ्रेगमेंट्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यू विल गेट द टोटल सिक्स फ्रेगमेंट्स आफ्टर दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेप्टाइड अलॉन्ग द पेप्टाइड बॉन्ड, अगर पेप्टाइड बॉन्ड के अलॉन्ग हो रहा है तो। सो हमेशा ध्यान रखें कि पेप्टाइड फ्रेगमेंटेशन में टोटल कितने फ्रेगमेंट्स आपको जनरेट होने हैं, ये डिपेंड करता है कि बेसिक तौर पे कितने जो है अमीनो एसिड्स या कितने जो है फ्रेगमेंटेशन चल रहा है। हो सकता है कि आपके पेप्टाइड बॉन्ड के अलॉन्ग भी हो और नहीं भी हो, यह भी तो पॉसिबल है। क्या जरूरी है कि हमेशा फ्रेगमेंटेशन पेप्टाइड बॉन्ड के अलॉन्ग हो? जरूरी नहीं है, दोनों हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर रहा हूं, पेप्टाइड बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन को, पेप्टाइड बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन को समझे तो ये हम प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तो फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटीन। अब हो सकता है कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, जो फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन के तौर पे ओनली इन पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है, ऑल पॉसिबल हो सकते हैं, सारे के सारे पॉसिबल फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं, या ओनली इन पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है। अगर ऑल पॉसिबल फ्रेगमेंटेशन है तो कहीं ना कहीं जो है वो C C अल्फा NC अल्फा और CN, ये होगा CC अल्फा के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है A, और
वाई के तौर पे, एन सी अल्फा को सी और जेड के तौर पे, और सी एन को बी एन वाई के, ए और एक्स के तौर पे, सी एन जेड और बी एन वाई के तौर पे। ऑल पॉसिबल केसेस में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनने वाले हैं? बेसिक तौर पे जो है तीन बॉन्ड हर अमीनो एसिड में टूटेगा और छह फ्रेगमेंट्स आपको नजर आएंगे। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से फ्रेगमेंट्स आप यहाँ पे अगर बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स शुड बी द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इनटू थ्री, ये हो जाएगा। जितने अमीनो एसिड्स होंगे उसका तीन गुना जो है आपको फ्रेगमेंट्स मिलेगा। मतलब अगर 10 अमीनो एसिड्स के जो है पेप्टाइड है, तो उसमें लगभग जो है आपको 30 फ्रेगमेंट्स टूटते हुए नजर आएंगे, मिलेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री रिजल्ट्स में। लेकिन अगर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के अलोंग फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं ये जो सी एन के अलोंग हो रहा है बी एंड वाई के अलोंग, तो यहाँ पे हर अमीनो एसिड्स जो है वो दो फ्रेगमेंटेशन ही करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आपको मिलेगा, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स शुड बी एन इंटू टू, एन इंटू टू, यहाँ पे एन इंटू टू बोल सकते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, या इसको बेसिक तौर पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रखें। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज वन ऑफ द बेटर टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नंबर ऑफ अमीनो एसिड से एक कम होता है लीनियर पेप्टाइड में, एन माइनस वन अगर आपको पता हो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इंटू टू का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बने, ठीक है। तो जैसे इस केसेस में देखिए, वैसे तो एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड और चार अमीनो एसिड था, ठीक है। टोटल कितने अमीनो एसिड थे? फोर, फोर अमीनो एसिड्स थे। और फोर अमीनो एसिड्स के तौर पे अगर रिप्रेजेंट करें, तो जो फ्रेगमेंटेशंस हो रहे हैं उससे कितने फ्रेगमेंट मिल रहे हैं? जो फ्रेगमेंट मिल रहे हैं वो छह मिल रहा है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड के लॉन्ग फ्रेगमेंटेशन है और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो थ्री है। तो हमें फोर अमीनो एसिड को देख के नहीं चलना है, हमें पेप्टाइड बॉन्ड को लेकर चलना, और उसी के लिए मैंने यहाँ पे एन को पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेट किया। और यही जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म। अगर पेप्टाइड बॉन्ड को आपको कैलकुलेट करना हो, तो ये आपको पता ही कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस फोर, जितने भी अमीनो एसिड होंगे उससे एक कम। कहीं ना कहीं तीन पेप्टाइड बॉन्ड मतलब चार अमीनो एसिड, और उसके बेसिस पे जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। जरा ये देखिए, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ पे अमीनो एसिड काउंट कर सकते हैं। एक देखिए एनसीसी वन मैं मेंशन कर दे रहा हूं, अगर आप देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहां पे अगर देखा जाए तो टोटल नाइन अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? नाइन अमीनो एसिड, यानी एट पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कितने फ्रेगमेंट? सिक्सटीन फ्रेगमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, लगभग लगभग 16 फ्रेगमेंट्स। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. इसमें 13 ही रिप्रेजेंट किया गया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, क्यों जरा देखते हैं। अब देखेंगे तो 8 फ्रेगमेंट एक जो है इधर से बनेगा, एक साइड में 1 फ्रेगमेंट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये 8 फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक। इसी तरीके से इस साइड से बनेंगे फ्रेगमेंट्स, वाई वाले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, टोटल 16 फ्रेगमेंट्स आपके नजर आएंगे, और इसमें जो है 8 8 16 फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे। इन हर फ्रेगमेंट्स का अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होगा, उस मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे उनका m / z रेशियो यहां पे आ जाए। जो सबसे फिजिबल आयन होगा उसका अबंडेंस थोड़ा ज्यादा होगा, जो सबसे जो फिजिबल नहीं होगा उसका अबंडेंस थोड़ा कम होगा, ये बेसिक सा कांसेप्ट है। अब इसी तरीके का जो है एमआर कह सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रा, यहाँ पे भी वही है कि जब भी पहला पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्रेगमेंट ये एक ये, इसको हम बोलेंगे बी वन इधर वाला, फिर दूसरे से टूटेगा, फिर तीसरे से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, फिर सिक्स से, सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ, यही उल्टा चलेगा। जब यहाँ पे इलेवेंथ करेगा तो एक बचा रहेगा, तो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स वाई सेवन वाई एट वाई नाइन वाई टेन वाई इलेवन, तो कहीं ना कहीं जो है अगर 11 इधर से बन रहा है तो 11 इस साइड से बनेगा, टोटल 22 फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 12 अमीनो एसिड का ये पर्टिकुलर पेप्टाइड होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
नंबर ऑफ अमीनो एसिड देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कहीं ना कहीं अगर हम मेंशन करें तो वो जो है वो 12 है, तभी तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो यहाँ पे है वो 11, यानी जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 11 × 2 दैट इज 22, और ये 22 फ्रेगमेंट्स कुछ इस तरीके से लिस्टेड आउट होते हैं। ठीक है, सवाल ये आ जाता है कि फ्रेगमेंट लिस्टेड आउट तो हमने निकाल लिया, हमने स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट हो रहा है डेटा से ये भी देख लिया, प्रोटीन का डेटा जो है या वो केमिकल का डेटा, वी हैव स्टडीड द एग्जैक्ट बायोमास या एग्जैक्ट मास एंड जो है नॉमिनल मास। इसके बाद सेकेंड कॉम्पोनेंट हमने देखा कि आइसोटोपिक अबंडेंस क्या है, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी कि फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल के लिए या प्रोटीन बायो मॉलिक्यूल के लिए कैसे चल रहा था। लेकिन CSIR में कभी कभी सवाल आता है कि ग्राफ से फिर अगर प्रोटीन का मास निकालना हो तो कैसे करें। प्रोटीन से तो ग्राफ निकालना आसान हो गया, समझ में भी आ गया कि कैसे जो है फ्रेगमेंटेशन के साथ ये चीजें मिल रही हैं, लेकिन व्हाट इफ